नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं डीके डिस्कवरी फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रहलाद सिंह पटेल के जीवन के संघर्ष के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग से नाता रखने वाले लगभग 60 वर्षीय प्रहलाद सिंह पटेल कुशल वक्ता हैं और स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। 5 बार के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल 2003 में केंद्र की सरकार में कोयला मंत्री रह चुके हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोधी समाज से ताल्लुक रखने वाले मध्य प्रदेश के कद्दावर भाजपा नेता प्रहलाद सिंह पटेल एक समय में उमा भारती के कट्टर समर्थक थे। प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने राजनैतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। साल 2005 में वह भाजपा से अलग होकर भारतीय जनशक्ति में उमा भारती के साथ रहे थे। हालांकि 3 साल बाद ही मार्च 2009 में उन्होंने भाजपा में घर वापसी कर ली थी और 2014 में 5 साल बाद दमोह से लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और भाजपा सांसद बने थे। प्रहलाद सिंह पटेल इस बार भी दमोह से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल सन 2000 में देश में गौहत्या पर प्रतिबंध के लिए एक निजी विधेयक लोकसभा में लाए थे। प्रहलाद सिंह पटेल सबसे पहले 1989 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। वह एक अनुभवी सांसद हैं। इसके साथ ही वह लोकसभा के अनेक समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। पटेल अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वर्ष 1980 में वह जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते गए। इसके बाद वह भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश में कई अहम पदों पर रहे हैं। उमा भारती ने वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में जब प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की 10 वर्षीय शासन को उखाड़ फेंका था, तब प्रहलाद सिंह पटेल उमा भारती के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। इसके बाद भाजपा में उमा भारती बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार 15 वर्ष तक शासन किया। पटेल उन गिने चुने राजनेताओं में से हैं जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है। नर्मदा नदी के दोनों किनारों की परिक्रमा लगभग 3300 किलोमीटर की है। यह पैदल परिक्रमा नर्मदा भक्तों में पवित्र मानी जाती है। प्रहलाद सिंह पटेल शुद्ध शाकाहारी हैं तथा हिंदुत्व की राह में चलने वाले राजनेता हैं। तो ऐसे हैं प्रहलाद सिंह पटेल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।